स्वागत है मेरे वो चैनल पे वीरेंद्र सिंह पे। आज की मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कंपनी की फॉर्म में। अगर आपको कंपनी नहीं पता है तो कंपनी मैंने पहले बात कर लेते हैं, और जो कि करैक्टरिस्टिक्स कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है सेपरेट लीगल एंटिटी, वो क्या होता है आज मैं उसके ऊपर पूरी डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एग्जांपल से एक बहुत ही बढ़िया केस लॉ से समझाऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी होता क्या है। बने रहिए मेरे साथ। कंपनी क्या होता है? कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, जो कि इनकॉर्पोरेट होता है लॉ के अंदर, इनकॉर्पोरेट होता है कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन क्या जो इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, कंपनी के अंदर मेंबर्स होते हैं यानी कि शेयर होल्डर, वो क्या कंपनी के, क्या वो कंपनी को, उस कंपनी को कहते हैं कि शेयर होल्डर ही कंपनी होती है? क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो चलाती किससे है, चलाता कौन उसको? शेयर होल्डर हो गए, डायरेक्टर हो गए, ठीक है, ये कंपनी चलाते हैं। तो क्या ये ही शेयर होल्डर डायरेक्टर कंपनी का पार्ट है या फिर कंपनी से अलग है? ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब ये इसी को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ केस लॉ समझाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, सैल्मन वर्सेस सैल्मन का, सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड का। ये केस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इस कॉन्सेप्ट के देखते हुए। देखिए सैल्मन कौन था? सैल्मन एक प्रोप्राइटर था, ठीक है, जिसका एक शूज़ का बिजनेस था। तो उसने क्या करा, ये शूज़ का बिजनेस ये ने कंपनी फॉर्म कर दी, ठीक है, अपने शूज़ के बिजनेस को उसने एक कंपनी फॉर्म कर दी जिसका नाम उसे लग गया सैल्मन कंपनी लिमिटेड। तो उसने जितनी भी एसेट्स थी वो इसको ट्रांसफ़र कर दी, लाइबिलिटी थी उस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी, वो कंपनी इसकी है। तो इस कंपनी में क्या था कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे वो और कोई नहीं, एक तो सैल्मन था, ठीक है, इसके चार बेटे थे और इसकी एक वाइफ थी, इन सब ने ही शेयर हैंड कर रखे थे, और डायरेक्टर भी और कोई नहीं सैल्मन ही था। तो हुआ क्या, ये कंपनी एक साल के अंदर अंदर बंद होगी, लिक्विडेट होगी, और लिक्विडेशन में चलेगी एक साल के अंदर अंदर। तो हुआ क्या, एक साल के अंदर अंदर इसका जो एसेट्स थे इसके, वो 8,000 पाउंड्स के थे, और जो लायबिलिटी थी वो 11,000 पाउंड की थी। और मज़े की बात ये है कि सैल्मन ने ही कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हुए थे, यानी कि सैल्मन ने ही शेयर भी खरीदे हुए थे, शेयर होल्डर भी था, और कंपनी के लोन भी दे रखा था, डिबेंचर होल्डर भी था। तो हुआ क्या, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे तो उनके बीच बवाल मच गया, वो कहने लग गए कि हमें पैसा पहले मिलना चाहिए। जब आपको पता होगा कि सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा मिलता है, लिक्विडेशन अगर आपने पढ़ा है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा, सिक्योर्ड क्रेडिटर है कौन? डिबेंचर कौन इसके हाथ में है? सैल्मन के हाथ में। तो यानी कि इनमें से जो पैसा बचा वो कहने लगे कि सैल्मन को तो मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि सैल्मन और कोई नहीं कंपनी का मालिक खुद ही है, और उसने कंपनी का लोन दे रखा है। तो यानी कि सैल्मन और कंपनी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। सैल्मन भाई खुद ही कंपनी बनाता है और कंपनी का खुद ही डिबेंचर्स शेयर होल्डर बन जाता है, तो ये क्या बात हुई, उसको कैसे पैसा मिल जाएगा? लेकिन कोर्ट ने समझाया नहीं, सैल्मन अलग हो चुका है, सैल्मन अलग है
और उसकी कंपनी अलग है, यानी कि जो सैलमन है अब वो कंपनी से अलग हो चुका है। सैलमन एक अलग एंटिटी है, कंपनी एक अलग एंटिटी है। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी अगर डिवेंचर्स है, जितने भी डिवेंचर्स को पैसा मिलेगा, तो सबसे नहीं जितने भी एसेट को जितने भी पैसा निकलेगा तो सबसे पहले डिवेंचर्स को ही जाएगा वो, और कोई नहीं सैलमन ही है। तो इससे ये पता चलता है कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, यानी कि उनके जितने भी मेंबर्स हैं वो अलग होते रहते हैं कंपनी से। यानी कि सैलमन, चाहे इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा खुद भी अपनी कंपनी बना ले तो वो भी कंपनी से अलग हो चुका है। तो लोग लोग कंपनी पे केस फाइल कर सकते हैं और कंपनी इस पे केस फाइल कर सकती है, यानी कि ये सैलमन है और ये कंपनी है, तो यानी कि दोनों एक अलग एंटिटी बन चुके हैं। तो कंपनी का अलग आपको इसलिए पता होगा, कंपनी एक कॉमन सील होता है जिस पे कंपनी हर एक अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाती है। तो इसका मतलब ये है कि हर लोग कंपनी पे केस फाइल कर सकते हैं और कंपनी के मेंबर्स और शेयर होल्डर्स कंपनी पे केस फाइल कर सकते हैं और कंपनी इस पे अपने मेंबर्स पे केस फाइल कर सकती है। तो ये है सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो, लेकिन और अगर पसंद हल्का सा भी आया तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर कर देना अपने जितने भी दोस्त हैं, और फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगले वीडियो में मिलेंगे इस कुछ और बढ़िया वीडियो में। थैंक यू सो मच आज के लिए।